जब मैं स्टडी कर रही थी, एक आकिब शाह नाम का लड़का मेरा पीछा कर रहा था, मुझे फॉलो करता था, और उसने मुझे इतना तंग किया था कि जिस उसकी वजह से मुझे अपनी जम्मू में स्टडी छोड़ के वापस घर भागना पड़ा। जब ईद के दिन मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही थी तो वो रास्ते में आया और मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाने लगा। जब मैंने मना कर दिया तो हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती मुझसे ज़बरदस्ती करने लगा, और जब मैं भागने लगी वहाँ से तो मेरे पीछे गाड़ी लेके आया था। मैंने अपनी सेल्फ डिफेंस में उसकी गाड़ी पे पत्थर मारे और उसकी गाड़ी के कांच टूट गए मुझसे कुछ। तो जब मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल करा तो मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट करा कि मैं अपनी मम्मा को ये सब बताऊं। जब मम्मा को कॉल करा तब तक वो अपनी गाड़ी लेके भाग गया था। देन मैंने पुलिस स्टेशन में FIR लिखवाई। 4-5 दिन तक मेरी FIR पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब मैंने सुसाइड अटैम्प्ट किया उसके बाद एक्शन लिया गया, और विक्टम है वो कहता है कि मैंने उसकी गाड़ी के कांच तोड़े हैं, और वो कहता है वो मेरे खिलाफ़ FIR कटवाएगा कि मैंने उसकी गाड़ी के कांच तोड़े हैं। अगर एक लड़की की इज्जत से ज़्यादा एक कांच की कीमत है तो इस हिंदुस्तान में लड़कियों की इज्जत की फिर कोई कीमत ही नहीं है। लड़कियां क्यों पैदा करनी है? अगर लड़की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ फिर ये क्यों रखा है? अगर मुझे कोई इंसाफ नहीं दिला सकता तो फिर लड़कियों को घर से बाहर मत निकलने दो। इज्जत के नाम पे हम लड़कियों को चुप करवा दिया जाता है। जब लड़कियां सुसाइड करती हैं या मर जाती हैं फिर कहते हैं कि लड़कियां हमें कुछ बताती नहीं हैं। जब लड़कियां कोई स्टेप उठाएं तो उन्हें इज्जत के नाम पे चुप करवा दिया जाता है। कैरेक्टर लेस बोलेंगे, ये सब बोलेंगे, समाज क्या कहेगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए चुप करवा दिया जाता है। मुझे इंसाफ चाहिए, प्लीज़ हेल्प मी।